हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज की जो वीडियो है ये मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो और बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि समर स्टार्ट हो रहे हैं और जो गर्मियों के मौसम में हमको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, जिसकी वजह से एक ईचीनेस, एक डर्ट वगैरह सारी चीज़ों की, सब चीज़ों की प्रॉब्लम जो है आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। और ये बहुत ही ज़्यादा आसान और इफ़ेक्टिव रेमेडी है, इसे घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा तो, और बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। कैसे इसको बनाते हैं वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये जो है, ये जो मैंने एक बाउल लिया है और उसके अंदर सबसे पहले मैंने मुल्तानी मिट्टी ली है, और मुल्तानी में मिट्टी मैंने थोड़ा सा रोज़ वाटर यूज़ किया है डाबर का। तो ये पैक मैंने अपने लिए बनाया था, उसके बाद मैंने सोचा कि वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। पैक है एक्चुअली मुल्तानी मिट्टी में मैंने रोज़ वाटर मिलाया है, और आप यकीन मानोगे कि जब भी आप इसको अप्लाई करोगे तो ये ऐसे भी बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी है। ये जो है एक्स्ट्रा ऑयल जो है आपके फेस से निकालती है, जो फेस पे जो गंदगी हमारी होती है और एक्स्ट्रा जो ऑयल आता है वो ये पूरी तरह से ख़त्म करती है। इस पैक को जो है आपको इसमें एक और इंग्रेडिएंट आपको ऐड करना है, और वो है कॉफ़ी। कॉफ़ी हमारे स्किन को ब्राइट करता है और हमारे स्किन में बहुत अच्छा एक ग्लो लेकर आता है। मुल्तानी मिट्टी जो है हमारे स्किन के जो स्वेटिंग है, जो पसीना है, उसको कम करती है, एक्स्ट्रा ऑयल को एब्जॉर्ब करती है और हमारे स्किन को ग्लोइंग बनाती है। और कॉफ़ी जो है हमारे स्किन को ग्लोइंग बनाता है और हमारे स्किन में जो है बहुत ज़्यादा एक ग्लोइंग स्किन देता है, एक ब्राइटनिंग स्किन देता है। तो ये एक इंस्टेंट पैक है, और इसे आप कहीं पे भी, मतलब आप जो गर्मियों का सीज़न है, आप इफ़ेक्ट इतने आसानी से देख पाओगे ना कि आपको कुछ भी लगाने की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है सिवाय सनस्क्रीन के। तो इसमें मैं जो है ओनली ये इतना सा ही कॉफ़ी पाउडर डालूंगी, क्योंकि ऑलरेडी मैं पैक बना चुकी हूँ। और थोड़ा सा कॉफ़ी का हाफ टेबल स्पून, हाफ टी स्पून, जितना भी आपका फेस के अकॉर्डिंग आपको डालना है उतना आपको मिक्स करना है। और उसके बाद जो है आपको अच्छे से इस पैक को मिलाना है, आप ऐड करोगे, क्योंकि रोज़ वाटर हमारे स्किन पर टोनिंग टॉनिक का काम करता है, और ये रोज़ वाटर जो एक अच्छा टोनर भी माना जाता है। तो मेरी ऐसी राय है कि आप इसको जो है इसमें रोज़ वाटर मिलाइए और इसको एकदम थिक पेस्ट रखिए, जिस तरीके से यहाँ पे मैंने इस पेस्ट को रखा है, और आप देख सकते हैं। और इसको आपको अप्लाई करना है आपके फेस पे बहुत अच्छी तरह से, और इसको पूरा जब तक ये सूख जाए पूरी तरह से, पूरी तरह से, इन द सेंस 60 पूरी तरह से 100% इसको आपको सुखाना नहीं है, नहीं तो ये आपका नेचुरल ऑयल भी खींच लेगा। तो 80% इसको सुखाना है, उसके बाद आपको नॉर्मल वाटर से इसको धो देना है। और उसके बाद जो है नॉर्मल वाटर से जब आप इसको धो उसके बाद नॉर्मल वाटर से जब आप इसको धो देंगे तो उसके बाद आपको फिर से इसमें रोज़ वाटर अपने एज अ टोनर अपने फेस पे इस्तेमाल करना है, या जो कोई भी आप टोनर इस्तेमाल करते हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बट मैं रिकमेंड करूँगी कि रोज़ वाटर इज़ अ बेस्ट टोनर फॉर ग्लोइंग स्किन, तो आप टोनर बिल्कुल इस्तेमाल करें ये पैक। उसके बाद कोई भी मॉइस्चराइज़र, आप जो भी अपने पसंद का मॉइस्चराइज़र है इसको ज़रूर अप्लाई करें। सबसे पहले कि मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, जब आप इस पैक को लगाएं तो बिल्कुल भी बात ना करें, एटलीस्ट 15-20 मिनट, और बिल्कुल भी चेहरे को हिलाए नहीं, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो क्रैक्स पड़ जाते हैं। लेकिन ये इतना आसान रेमेडी है और इतनी इफेक्टिव है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको इसके कितने फ़ायदे हो गए। और वीक में सिर्फ आपको 2 बार इस्तेमाल करना है, ये गर्मियों का जो सीज़न है तो उससे आपको इतनी राहत मिलने वाली है, और स्वेटिंग पूरी तरह से आपकी ख़त्म होने वाली है, और आपका स्किन जो है एक ब्राइटनिंग एंड एक ग्लोइंग आपको स्किन मिलेगा। तो आप इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करना और मेरे साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करना। और मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर करना, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।